आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस, लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की समाअत। शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से रवाना, नैब शहबाज शरीफ को अदालत जाने से कबल गिरफ्तार के लिए मुतहर्रक। अदालत के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। राना सनाउल्लाह को रास्ते में रोका, बाद में जाने दिया गया। साबिक वजीर कानून कानून ही भूल गए, राना सनाउल्लाह का अपने लीडर का अनोखा दिफा। कहा, मुलाजिम के अकाउंट में पैसे मंगवाना किस कानून के तहत जुर्म है? शहजाद अकबर बताएं वो किस जुर्म के तहत कार्रवाई करेंगे। समा ने बयान पर वजाहत मांगी तो राना सनाउल्लाह बैकफुट पर चले गए। ये कोई नैब का ऑफेंस नहीं है, अगर ये है तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है कोई बैंकिंग एक्ट के तहत हो सकता है या कोई इनकम टैक्स एक्ट के तहत हो सकता है। नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए कल घर पर छापा मारा, लेकिन वो ना मिले। हुकाम खाली हाथ वापस आ गए। नून लीग की सख्त तंकीद। मरियम औरंगजेब का चेयरमैन नैब को चैलेंज। कहा, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो अवाम वजीर आजम की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला जाएंगे। चेयरमैन नैब कान खोल के सुन ले कि अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तान की आवाम बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगी। किराए के टट्टू जो आप लोगों ने भर्ती किए हुए हैं, वो किराए के तर्जुमान लोटे और टट्टू जिनकी हर मिनट वफादारी बदल। जेहलम में एक ही घर के 18 अफराद में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। DC जेहलम का काला गुजरा के इलाके को मुकम्मल लॉकडाउन करने का ऐलान। THQ पिंड दादन खान के 3 डॉक्टर्स में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। मेंबर KP असेंबली मियां जमशेदुद्दीन कोरोना से जान बहा, कई रोज से इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा नौशहरा में अदा की जाएगी।